नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और चर्चा होगी आदित्य ठाकरे वाली सीट की, क्योंकि आदित्य ठाकरे और मिलिंद मुरली देवड़ा के बीच कांटे की टक्कर कह सकते हैं हो रही है, और केवल फासला 600 वोट से 1000 वोट का है। और ऐसे में बहुत परेशानी में इस वक्त उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे हैं, और जान हलक में अटकी है। अभिषेक, जिस तरीके से पहले तो एमवीए का बंटाधार हुआ, और लग रहा है कि आदित्य ठाकरे के लिए भी मुश्किलें वर्ली से आ जाएंगे। जब आप अपनी जमीन को ही छोड़ देंगे रोहित, जब अपनी जड़ खुद ही काट लेंगे आप, तो क्या ही होगा। शिवसेना को लोग क्यों जानते थे? बाला साहब ठाकरे की वजह से जानते थे। हार्ड हिंदुत्व की बात करते थे, हम हिंदू हैं उस पर गर्व करिए, ये नारा बाला साहब ठाकरे का हुआ करता था। लेकिन आज मातोश्री के बाहर जाकर कुछ लोग प्रदर्शन कर देते हैं कि आप वक्फ बोर्ड पर क्यों नहीं बोलते, आप टोपी पहन लेते हैं, आप अपनी विचारधारा बदल देते हैं। शायद यही कारण है कि जो चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि शिवसेना टूटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है, और देखना होगा कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में ज्यादा वोट जाते हैं या फिर उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा वोट जाते हैं। लेकिन जनता ने बता दिया कि अगर आप घर से नहीं निकलेंगे, अगर आप घर से निकलकर लोगों से नहीं मिलेंगे, उनसे जाकर बात नहीं करेंगे, तो आपको वो जनता वोट नहीं करेगी। बिल्कुल अभिषेक, और आंकड़ों पर एक बार नजर दौड़ा ले। बिल्कुल, आदित्य ठाकरे 25,304 वोट अभी पा चुके हैं, 1,047 वोट से आगे चल रहे हैं। मिलिंद देवड़ा 24,257 वोट पाए हैं, जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में है। कांग्रेस छोड़कर आए थे, कांग्रेस से अच्छा खासा देवड़ा परिवार का नाता रहा। एक लंबे वक्त तक देवड़ा परिवार कांग्रेस के साथ रहा, लेकिन उनकी नाराजगी हुई, मिलिंद देवड़ा छोड़कर इधर आए। तो थोड़ा अगर समझने का प्रयास किया जाए वर्ली सीट को, तो आदित्य ठाकरे के साथ पिछले 5 साल में जो हुआ, मैं सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जो कुछ है उनकी इमेज पर इफेक्ट पड़ा, क्या लग रहा है उस वोटिंग में भी पड़ा? हो सकता है वो जीत जाए, मार्जिन उतना बड़ा नहीं हो सकता जीत जाए आदित्य ठाकरे, लेकिन लग रहा है कि उनके जो चरित्र पर, जो उनके इमेज पर फर्क पड़ा, उसका असर दिख रहा है। देखिए, हिंदुस्तान है रोहित, ये इतनी लंबी चीजों को भूल जाता है, मौजूदा स्थिति को याद रखता है। देखिए, जब 2019 में वर्ली सीट से पहली बार आदित्य ठाकरे ने चुनाव लड़ा था, लगभग 3.25 लाख वोट इस सीट पर है, जीत दर्ज की थी, तब मनसे ने अपना उम्मीदवार इस सीट पर नहीं उतारा था। लेकिन आज जब राज ठाकरे ने अपने बेटे को मैदान में उतारा चुनाव लड़ने के लिए, तो इन्हीं उद्धव ठाकरे ने उनके खिलाफ, राज ठाकरे के जो बेटे हैं उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। तो क्या जनता इस चीज को नहीं समझती है कि आप सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप सत्ता के लिए किसी भी हद तक राजनीति कर सकते हैं? अपने भतीजे तक को, अब वो जीतकर विधानसभा में ना पहुंचे, उसके लिए उसके सामने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। और रही बात मिलिंद देवड़ा की, मिलिंद देवड़ा पुराने नेता रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा में भी पहुंचे हैं, आपका कांग्रेसी अच्छे खासे जनाधार वाले नेता मिलिंद देवड़ा रहे हैं। रही बात चरित्र की, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद आदित्य ठाकरे का नाम घसीटा गया, या वाकई में उन आरोपों में कुछ सच्चाई थी, देखिए तब तक आरोप साबित रहो तब तक रोहित हमारा कहना बेमानी होगी, क्योंकि मीडिया ट्रायल उस केस में बहुत ज्यादा हुआ, समाज में एक इमेज जो चली गई, लोग तो जो सुनते हैं उसको मान भी लेते हैं। 10 लोग अगर सुन रहे हैं, तो उसमें अगर 4 लोग ही मान लिए, तो इन्फ्लुएंस हो गए ना, आपकी इमेज को खराब कर दी गई ना, उसका असर मैं पूछ रहा हूं कि जो माउथ टू माउथ थी कैंपेनिंग हो गई उनके इमेज को लेकर, उसका असर पड़ा उन पर? हो सकता है कि वो हो, लेकिन पिछले 2.5 साल में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान दोनों उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे घर में रहे, अगर अपनी जमीन को मजबूत करने का काम करते, जमीन पर जाते, लोगों से मिलते, हकीकत से रूबरू करवाते, तो शायद हो सकता था कि आज एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच 50-50 का फाइट होता रोहित, लेकिन आज मुझे लगता है कि वो फाइट कहीं है ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और को लेकर बात हो रही थी कि भाई अपनी जमीन तो खो ही चुके हैं, और निश्चित तौर पर अगर हार जाए वर्ली सीट को, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हैरानी की बात, बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी अगर राज ठाकरे हारते हैं तो, क्योंकि पूरे एमवीए का ही बंटाधार हो गया है। बिल्कुल, और अब समझ में आ गया होगा आदित्य को भी, अब समझ में आ गया होगा उद्धव ठाकरे को ही, कि दादा और उद्धव ठाकरे को कि पिता के विचारधारा के विपरीत जाना कितना खतरनाक, कितना खतरनाक था। भले अकेले लड़ लेते, लेकिन मुझे लग रहा है अकेले अगर ये लड़ते बीजेपी से विद्रोह करके, तो इतना ज्यादा बेहतर हो सकता था कि भैया आपने हमारी पार्टी तोड़ी है, हम उस आपके खिलाफ हैं, हम अपनी विचारधारा पर ही रहेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी विचारधारा ही बदल दी। भाई औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं आप, किसी के लिए जाकर वोट मांग रहे हैं जिनको मातोश्री कभी घुसने ना दे अपने दरवाजे पे। बाला साहब ठाकरे का ये रुतबा था, तो वो भुगतना पड़ेगा जब वो कहते भी हैं। चलिए कार्तिक अभिषेक,
कि जब अपने आप बाप दादाओं के दिए हुए साम्राज्य को लुटाने पर आ जाए ना, तो फिर कुछ बचता नहीं। ये तो है खैर, तो फिर कुछ बचता नहीं, वही हुआ है। बाला साहब ठाकरे भी आज शायद सोच रहे होंगे, जहां भी होंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कि चलिए अभी अगर सुधर जाए तो बेहतर होगा, वरना राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों के साथ हाथ मिलाएंगे तो हस्र यही होगा। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, बाकी अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।